अभी हम देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो थ्योरी ऑफ डिमांड हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें, तो हम ये स्टडी करते थे कि जो डिमांड में चेंज आता है वो क्यों आता है। तो यदि प्राइस में चेंज आएगा तो डिमांड में भी चेंज आएगा, और इनवर्स नेगेटिवली चेंज आएगा, ये हमने थ्योरी ऑफ डिमांड में पढ़ा। ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर है, ये हमें बताता है कि प्राइस में चेंज आने से कंज्यूमर ने जो डिमांड को चेंज किया है, वो जो रिस्पॉन्स जो है डिमांड ने दिया है, कंज्यूमर ने दिया है, उस रिस्पॉन्स को ये चैप्टर मेजरमेंट करता है। तो प्राइस में चेंज आने से डिमांड में चेंज आया है, वो डिमांड में चेंज कितना आया है, उस रिस्पॉन्स को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर मेजरमेंट करता है। तो जो भी डिमांड में परसेंटेज चेंज आया है, उसको यदि हम जो प्राइस में चेंज है परसेंटेज में, तो जो भी हमने डिमांड और प्राइस में चेंज निकालना है उसे परसेंटेज में निकालना है, तो यदि हम डिवाइड कर दें तो डिवाइड करने से इलास्टिसिटी निकलेगा, जो हमें बताएगा कि डिमांड में जो चेंज है वो प्राइस के कंपेरेटिवली कितना टाइम्स चेंज है, ठीक है। सपोज करो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है 2 है, तो इसका मतलब जो भी प्राइस में चेंज आया है उसका डबल चेंज डिमांड में आया है, ठीक है। अब प्राइस में चेंज आने से डिमांड में भी चेंज आता है, तो वो कितने तरीके से डिमांड में चेंज आता है वो हमें स्टडी करना है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, यहाँ पे इसकी जो डिग्रीज हैं वो 5 प्रकार के जो है इसके टाइप्स हैं, तो वन बाय वन हम इसको समझते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं 5 केस बनते हैं, या तो ऊपर 0 है नीचे नंबर, या नीचे 0 ऊपर नंबर, या दोनों इक्वल हैं, या ऊपर ग्रेटर है नीचे स्मॉलर, या नीचे बड़ी संख्या है और ऊपर छोटी। तो इसका मतलब प्राइस में चेंज आने से डिमांड में जो चेंज आते हैं वो 5 तरीके से आते हैं। तो वन बाय वन करके हम देखते हैं। सबसे पहले परफेक्टली इलास्टिक। तो कोई भी कमोडिटी की इलास्टिसिटी परफेक्टली इलास्टिक तभी होती है जब प्राइस डज नॉट चेंज, ओनली डिमांड चेंजेज, या फिर प्राइस में जो है बहुत लिटिल चेंज है लेकिन डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज है। तो एक ऐसी सिचुएशन जहाँ प्राइस जो है डज नॉट चेंज, ओनली डिमांड चेंजेज, उस केस को हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। ऐसा जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट होता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, जहाँ सब डिट्टो एक जैसी चीज़ सेल करते हैं और प्राइस भी जो है एक सेम ही रहता है, तो उस सेम प्राइस पे डिमांड कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये था परफेक्टली इलास्टिक वाला केस। अब हम देखते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, पूर्णतया बेरोजगार। ये वो सिचुएशन है जहाँ पे प्राइस में तो चेंज आ रहा है, प्राइस तो कम ज़्यादा हो रहा है, बट जो डिमांड है वो डज नॉट चेंज। ऐसा जो वेरी नेसेसरी गुड्स होते हैं, वेरी नेसेसरी गुड्स, उनके प्राइस में चाहे चेंज आए या उनका प्राइस इंक्रीज हो, बट उनकी जो डिमांड है वो डज नॉट चेंज। तो हम कह सकते हैं कि वेरी नेसेसरी गुड्स जो होते हैं उनकी इलास्टिसिटी परफेक्टली इन इलास्टिक होती है, ठीक है। तो ये वर्टिकल है, ये पैरेलल टू द प्राइस लाइन है, यहाँ प्राइस में तो चेंज है बट डिमांड डज नॉट चेंज। एक तीसरा केस है, अगर प्राइस में चेंज आने से डिमांड में भी चेंज आया है, तो 3 केस बनते हैं। पहला केस है कि दोनों में बराबर चेंज है, इसको एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। कोई प्रोडक्ट है, उसका जो प्राइस है वो 5% कम हो गया है, तो 5% प्राइस कम होने से डिमांड जो है 5% इंक्रीज हो गई है। तो 5% दोनों 5-5 है, तो डिवाइड करके आंसर इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी हम शो कर रहे हैं वहाँ परसेंटेज में हमें बताना है चेंज को, और प्राइस में जो चेंज है वो भी परसेंटेज में बताना है। तो यहाँ पे इस केस में दोनों में, प्राइस में और डिमांड में, जो परसेंटेज चेंज है वो बराबर है, ठीक है। एक चौथा केस देखते हैं हम लोग, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। ये वो सिचुएशन है जहाँ पे डिमांड में जो चेंज है परसेंटेज वो ज़्यादा है कंपेरेटिवली किसके, प्राइस के, ठीक है। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो कि कोई प्रोडक्ट है, उसका जो प्राइस है वो 5% कम हो गया है, तो 5% प्राइस कम होने से डिमांड जो है 10% अगर इंक्रीज हो जाती है, तो उस केस को हम कहते हैं मोर देन यूनिटरी और इलास्टिक। एक पांचवा केस है, लेस देन यूनिटरी और इन इलास्टिक जो है, इस वाले केस में क्या है कि जो
डिमांड में जो चेंज है वो कम है और प्राइस में चेंज ज़्यादा है। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज करो कि कोई प्रोडक्ट है उसका जो प्राइस है वो 5% कम हो गया है, तो 5% प्राइस कम होने से डिमांड इंक्रीज तो हुई है बट ओनली 2% इंक्रीज हुई है, क्योंकि प्राइस में और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन होता है। तो लॉ ऑफ डिमांड तो इस वाले केस में भी अप्लाई हो रहा है, इस वाले केस में भी अप्लाई हो रहा है और यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, बट जो रिस्पॉन्स है, जो डिमांड में जो चेंज है वो सबसे ज़्यादा चेंज यहाँ पर है। ठीक है, तो 5% प्राइस कम होने से डिमांड भी 5% इंक्रीज हुई है, 5% प्राइस कम होने से 10% डिमांड इंक्रीज हो गई है जो ज़्यादा है कंपेरेटिवली प्राइस के। इस वाले केस में 5% प्राइस कम होने से डिमांड ओनली 3% ही इंक्रीज हुई है। तो ये हमारा जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। अभी हम देखते हैं कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो हमारा टॉपिक है द फैक्टर्स ऑन विच प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड्स। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें इलास्टिसिटी, इलास्टिक और इन इलास्टिक में थोड़ा डिफरेंस हमें समझना पड़ेगा। तो इलास्टिक का मतलब है कि ज़्यादा चेंज आना डिमांड में कंपेरेटिवली प्राइस के, और जो इन इलास्टिक होता है उसका मतलब है कि प्राइस के कंपेरेटिवली डिमांड में जो चेंज है वो कम है। तो इस बात को हम एक डायग्राम से समझते हैं। सपोज करो कि पहले जो पॉइंट था ये प्राइस है और ये डिमांड है, ठीक है, इस प्राइस पे ये डिमांड। अब प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। तो माना कि ये दो कंज्यूमर हैं, तो दोनों के लिए जो मार्केट में प्राइस कम हुआ है वो बिल्कुल इक्वल है, ठीक है, लेकिन दोनों ने जो रिस्पॉन्स दिया है उस रिस्पॉन्स को हमें मेजरमेंट करना है। तो इतना प्राइस कम हुआ, ये दोनों कंज्यूमर के लिए कम हुआ है, तो प्राइस के कम होने पे इस वाले कंज्यूमर ने डिमांड को इतना बढ़ाया है और इसने डिमांड को इतना। तो दोनों में अगर फ़र्क हम देखें तो यहाँ जो डिमांड में चेंज है वो ज़्यादा है और यहाँ डिमांड में जो चेंज है वो कम है। तो ज़्यादा चेंज आना प्राइस के कम होने से डिमांड इंक्रीज होती है, बट दो केस हैं, ज़्यादा इंक्रीज होना और थोड़ा सा इंक्रीज होना। तो ज़्यादा इंक्रीज होना इलास्टिक होता है और थोड़ा सा चेंज आना इन इलास्टिक होता है, इतना आपने जो है इसको समझना है, ठीक है। तो इलास्टिक में जो डिमांड कर्व है वो थोड़ा फ्लैटर होता है, फ्लैटर का मतलब है कम स्लोप वाला होता है, और जो इन इलास्टिक डिमांड कर्व होते हैं वो स्टीपर होते हैं, ज़्यादा स्लोपिंग वाले होते हैं। तो ज़्यादा चेंज आएगा या कम चेंज आएगा वो डिपेंड करता है नंबर एक नेचर ऑफ कमोडिटी, वस्तु की प्रकृति कि वो वस्तु कैसी है। अगर नेसेसरी गुड्स हैं तो जो नेसेसरी गुड्स होते हैं अगर उनके प्राइस कम होते हैं, ठीक है, अगर नेसेसरी गुड्स के प्राइस कम होते हैं तो उनकी डिमांड बढ़ेगी बट ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी, तो इन इलास्टिक है। लेकिन जो लग्जरी गुड्स हैं जैसे एसी है, कॉस्टली जितनी भी कॉस्टली थिंग्स होती हैं अगर वो सस्ती हो जाएं तो उनकी डिमांड में ज़्यादा चेंज आएगा, इसलिए जो लग्जरी गुड्स होते हैं उनकी इलास्टिसिटी इलास्टिक होती है। दूसरा, ये जो इलास्टिसिटी है वो इलास्टिक होगा या इन इलास्टिक होगा वो डिपेंड करता है कि जो जो कॉमोडिटीज़ है उसके मार्केट में सब्स्टिट्यूट्स कितने अवेलेबल हैं। अगर उसके बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं तो प्राइस के कम होने से अब जो कस्टमर है उसको इसके सब्स्टिट्यूट कॉस्टली नज़र आएंगे और उनके कस्टमर इधर मूव करेंगे और प्राइस कम होने से डिमांड ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो जब किसी के सब्स्टिट्यूट ज़्यादा होते हैं तो वो प्रोडक्ट अगर सस्ता होता है तो उसकी डिमांड में ज़्यादा चेंज आता है और ज़्यादा चेंज आना इलास्टिक होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके सब्स्टिट्यूट मार्केट में कम अवेलेबल हैं, ऐसे में अगर उस प्रोडक्ट को सस्ता कर देते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ेगी बट ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जो कस्टमर हैं ज़्यादातर वो इसी के पास हैं, दूसरे से दूसरी जगह सब्स्टिट्यूट्स कम अवेलेबल हैं। तीसरा हम देखते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं विच आर जॉइंटली डिमांडेड, जैसे कार और पेट्रोल है। अगर आप कार खरीदते हो तो पेट्रोल भी आपको परचेज करना पड़ेगा। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं इनकी जो इलास्टिसिटी है वो इन इलास्टिक होती है, ठीक है। अगर पेट्रोल सस्ता हो जाता है तो पेट्रोल की डिमांड तो बढ़ेगी, क्योंकि दिस इज़ द लॉ ऑफ डिमांड कि प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ेगी, बट पेट्रोल की डिमांड में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। पेट्रोल सस्ता होने से पेट्रोल की डिमांड कोई ज़्यादा नहीं इंक्रीज होगी, क्योंकि पेट्रोल वही लोग परचेज़ करेंगे जिनके पास व्हीकल्स और गाड़ियाँ अवेलेबल हैं,
ठीक है। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं अगर वो सस्ते हो जाते हैं तो उनकी डिमांड में ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता, तो वो इन इलास्टिक हैं। चौथा, ये इलास्टिसिटी डिपेंड करता है कि जो वस्तु है उसके यूजेज कितने हैं। भाई इसमें भी दो केस हैं, कुछ ऐसे कॉमोडिटीज़ हैं जिनके मैनी यूजेज हैं, जैसे मिल्क है, इलेक्ट्रिसिटी है, और कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनके बहुत कम यूजेज होते हैं, जैसे सुई धागा है, नेडल्स हैं, मैच बॉक्स है, ठीक है। अगर मैनी यूजेज हैं तो सस्ता होने पे कस्टमर जो है इसके यूजेज बढ़ा देगा और डिमांड ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और ज़्यादा इंक्रीज होना इलास्टिक। लेकिन जिनके यूजेज कम होते हैं अगर वो सस्ते हो जाएं तो लोग उन्हें ज़्यादा परचेस नहीं करेंगे, क्योंकि जब उनके यूजेज ही नहीं है तो ज़्यादा परचेस करके क्या फ़ायदा। तो उस केस में जो है इलास्टिसिटी इन इलास्टिक होगी। अब है हैबिट, अगर किसी को आदत है किसी चीज़ की, किसी के यूज़ करने की, तो अगर वो प्रोडक्ट महंगा भी हो जाए तो वो उसकी डिमांड को ज़्यादा कम नहीं कर पाएगा इन इलास्टिक। लेकिन अगर किसी को हैबिट नहीं है, कोई प्रोडक्ट है उसकी आदत नहीं है, तो महंगा होने पे कंज्यूमर उसकी डिमांड को बहुत ज़्यादा कम कर देगा। बहुत ज़्यादा कम कर देना या बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देना इलास्टिक होता है। अब है पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके कंजम्पशन को एट द प्रेजेंट जो है पॉसिबल है कि हम उसे पोस्टपोन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो कि हमें कंस्ट्रक्शन करना है, हमें घर बनाना है, अगर बिल्डिंग मटेरियल थोड़ा महंगा हो गया है तो हम उसे अभी पोस्टपोन करके बाद में भी मकान जो है उसको कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि अगर बिल्डिंग मटेरियल महंगा होता है तो उसकी एट द प्रेजेंट डिमांड बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि इसके कंजम्पशन को हम कल के लिए भी टाल सकते हैं, इसके कंजम्पशन को हम कल भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें लगता है कि भाई अगर हमें कपड़े की ज़रूरत है और बिल्कुल अभी ज़रूरत है, दीपावली का टाइम है, तो उस समय हम उसके डिमांड को ज़्यादा जो है चेंज नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ पे पोस्टपोन पॉसिबल नहीं है, जैसे ट्रीटमेंट है, एजुकेशन है, उस केस में अगर प्रोडक्ट महंगे भी हो जाते हैं तो उनकी डिमांड ज़्यादा कम नहीं होती। इनकम लेवल देखते हैं, जो रिच पर्सन होते हैं उनके लिए अगर कोई प्रोडक्ट महंगा हो जाए तो वो उसकी डिमांड को ज़्यादा कम नहीं करते, ठीक है, क्योंकि अगर सस्ता होता है तो बहुत ज़्यादा डिमांड भी इंक्रीज नहीं करते। और जो पुअर्स होते हैं और मिडिल क्लास के लोग होते हैं, अगर इनके लिए कोई प्रोडक्ट सस्ता होता है तो ये उसकी डिमांड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो बहुत ज़्यादा चेंज इलास्टिक होता है। प्राइस लेवल है, अगर कोई प्रोडक्ट बहुत सस्ता है और अगर वो थोड़ा महंगा भी हो गया, भाई जैसे मैच बॉक्स हैं और सुई धागा है, सस्ती सस्ती चीज़ें हैं, कैंडीज हैं बच्चों की, अगर वो थोड़ी महंगी भी हो जाएं तो उनकी डिमांड में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता। अगर बेटा बहुत कॉस्टली चीज़ें सस्ती होती हैं तब उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो ये हमने पढ़ा कि प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कभी ज़्यादा चेंज आ रहा है, कभी कम चेंज आ रहा है, तो उसके क्या फैक्टर्स हैं और उसके क्या रीज़न हैं, ये हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो न्यूमेरिकल हैं उस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं। तो न्यूमेरिकल करने से पहले हमें देखना पड़ेगा थोड़ा सा, सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने के जो मेथड हैं वो दो ही मेथड हैं, ठीक है, एक तो परसेंटेज मेथड है और दूसरा है आनुपातिक विधि, प्रोपोर्शनल मेथड, ठीक है। तो इन दो मेथडों में डिफरेंस समझना है हमें। जो भी प्राइस में चेंज आया है पहले उसे परसेंटेज में निकालना है, और उसको परसेंटेज में निकालने का ये फॉर्मूला है कि जितना भी प्राइस में चेंज आएगा उसे ऊपर लिखना है और जो स्टार्टिंग में जो प्राइस था ओल्ड प्राइस वो नीचे इंटू 100। तो इससे हमारा निकल के आएगा कि प्राइस में जो चेंज है वो परसेंटेज में निकल के आएगा। फिर हमें प्राइस में चेंज आने से डिमांड में चेंज आता है, और डिमांड में जो चेंज आया है उसे भी हमें परसेंटेज में निकालना है। तो उसका फॉर्मूला है कि जितना भी चेंज आया डिमांड में उसे ऊपर लिखा, और नीचे जो है इनिशियल जो ओल्ड डिमांड है पहले उसको नीचे लिख के इंटू 100। तो यहाँ से परसेंटेज चेंज इन डिमांड आएगा। फिर ये दोनों जो निकल के आए हैं उसको अगर हम इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये परसेंटेज मेथड है। फिर है प्रोपोर्शनल मेथड है, जिसमें जो ये वाला फॉर्मूला भी इसी से बना है। तो इसमें डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, ये माइनस आपने लिखना है, जो हमें प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन बताता है। जब हम चेंज निकालते हैं तो डेल्टा क्यू और डेल्टा पी में से दोनों कोई एक माइनस का आएगा, उस माइनस को कैंसिल करने के लिए होता है। अभी हम इसको देखते हैं, जब हम सम करेंगे तो
ये पी का मतलब है पहले जो प्राइस था, फिर जो प्राइस चेंज हो गया वो पी वन है, पहले जो डिमांड करता था कंज्यूमर वो क्यू है, और जो नई डिमांड है प्राइस में चेंज आने से, इस प्राइस में जो डिमांड है और प्राइस में जो चेंज आया वो ये रहा, और डेल्टा पी कीमत में चेंज, सॉरी ये डेल्टा क्यू है डिमांड में चेंज। अब हम इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कितने केसेस बनते हैं। तो कितने प्रकार के न्यूमेरिकल हैं, एक सिंपल न्यूमेरिकल है जिसमें लिखा हुआ है कि आप इलास्टिसिटी निकालिए, फाइंड प्राइस इलास्टिसिटी बाय परसेंटेज मेथड, ठीक है। तो पेपर में ये वर्डिंग में एक सम आएगा, कोई प्रोडक्ट है उसका जो प्राइस है, पहले सपोज करो कि उसका प्राइस जो है रुपीज़ टू पर यूनिट है, तो उस समय कंज्यूमर उसकी डिमांड करता है 10 यूनिट्स। अगर उसका प्राइस कम हो जाता है तो हमें पता है लॉ ऑफ डिमांड कि प्राइस के कम होने से डिमांड इंक्रीज होती है, तो सपोज़ करो डिमांड जो है यहाँ पे 12 यूनिट्स होती है, ठीक है। तो पेपर में ये वर्डिंग में आएगा कि 2 रुपये प्राइस पे कंज्यूमर 10 यूनिट्स ख़रीदना चाहता है, और यदि प्राइस 1 है तो वो 12 यूनिट्स परचेज जो है करता है। तो बताइए इलास्टिसिटी क्या होगी, यहाँ पे पहले जो प्राइस है वो 2 है, बाद में प्राइस 1 है, प्राइस में जो चेंज आया 1 का चेंज आया, डिमांड पहले 10 है बाद में डिमांड 12, तो डिमांड में जो चेंज है वो 2 है। तो हम यहाँ पे P1 माइनस P करके निकाल लेते हैं, P1 जो है यहाँ पे 1 है, 1 माइनस 2, तो ये माइनस का आ गया, तो इस माइनस को कैंसिल करने के लिए यहाँ पे माइनस लगाया जाता है। हम इस माइनस को इग्नोर भी कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे माइनस ना लिखें तो हमें यहाँ भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस माइनस का मैथमेटिकली कोई रोल नहीं है, केवल माइनस के साइन को हटाने के लिए लिखा गया है। तो डेल्टा क्यू का भी फॉर्मूला है Q1 माइनस Q, तो 12 में से हम लोग 10 को घटाएंगे तो 2। अब जो भी चेंज आया है, सबसे पहले प्राइस में चेंज आता है, तो वो परसेंटेज चेंज हमें निकालना है कि प्राइस में जो भी चेंज है परसेंटेज में निकालना है। तो इसका फॉर्मूला है डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। अब प्राइस में चेंज कितने का है, माइनस 1, और शुरू में प्राइस कितना है 2 इंटू 100, तो इसे कैंसिल किया तो हम बोलेंगे 50%। तो यहाँ माइनस 50% का मतलब है कि प्राइस जो है 50% कम हो गया है, माइनस का मतलब है डिक्रीज। अब हम निकालते हैं जो भी चेंज आया डिमांड में उसको हम परसेंटेज में निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। तो परसेंटेज मेथड में जो भी प्राइस और डिमांड में चेंज आता है उन्हें अलग से परसेंटेज में निकाला जाता है। डेल्टा क्यू डिमांड 10 से 12 हो गया है, तो 2 का चेंज आया, पहले डिमांड कितना था स्टार्टिंग में 10, ठीक है, इंटू 100, ये कैंसिल हो गया 20%। तो यहाँ पे 50% प्राइस कम होने से 20% डिमांड इंक्रीज हुआ है। तो हमें प्राइस इलास्टिसिटी बतानी है, उसका फॉर्मूला है जो भी चेंज आया परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो डिमांड में कितना, और ये माइनस का साइन हमने लगा दिया, तो यहाँ पे जो चेंज है माइनस, सॉरी 20 है डिमांड में चेंज, और ये माइनस 50, ये कैंसिल किया, माइनस से ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया 2/5 जो है 0.4, और ये 0.4 है ये 1 से कम है, तो इनके आंसर 1 से कम का मतलब होता है इनइलास्टिक, ठीक है, बेलोजदार। तो इनके आंसर जो हमें लिखने हैं वो इलास्टिक और इनइलास्टिक के फॉर्म में हमें इनके आंसर लिखने हैं। अब हम और दूसरे केसेस देखते हैं, ठीक है। तो जितने भी केसेस हैं वो हम लोग स्टडी करते हैं कि कितने प्रकार के सम बन सकते हैं। अब हम एक दूसरा केस देखते हैं, ठीक है। सपोज करो कि एक दूसरा सवाल है जहाँ पे लिखा हुआ है कि इलास्टिसिटी आपको प्रोपोर्शनेट मेथड से निकालनी है, आनुपातिक विधि से। एक सम हमें दे रखा है, कोई प्रोडक्ट है उसका प्राइस जो है ₹10 पर यूनिट है, उस समय कंज्यूमर उसकी 40 यूनिट्स परचेज करता है। यदि उसका प्राइस जो है बढ़कर 12 रुपीज़ पर यूनिट हो जाता है, तो लॉ कहता है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाएगी, और यहाँ पे 20 यूनिट्स अब जो है 12 रुपये प्राइस पे कंज्यूमर 20 यूनिट परचेज करता है। तो प्राइस पहले 10 है बाद में 12 हो गया, तो डेल्टा पी P1 माइनस पी 12 माइनस 10 2 का चेंज आ गया, ठीक है। अब जो डिमांड है पहले 40 थी, बाद में डिमांड 20 यूनिट्स हो गई हैं, तो डिमांड में जो चेंज है हमने निकाला
तो ये निकल के आया 20 माइनस 40, तो ये फिर एक माइनस में आ गया, और इस माइनस को कैंसिल करने के लिए हमारे पास फॉर्मूले में माइनस होता है। अब प्रोपोर्शनल मेथड का ये फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, तो यहाँ पे माइनस लगाया तो डेल्टा क्यू कितना है -20, ठीक है, डेल्टा पी 2 हो गया। पहले प्राइस कितना था 10, पहले डिमांड कितनी थी, तो ये सिंपल से एक सवाल है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 20, नीचे 4 2 8, हमने इसको फिर स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 2.5 निकल के आया है। अब ये 2.5 तो 1 से ज़्यादा है, तो जब भी आंसर 1 से ज़्यादा आता है तो हम लिखते हैं इलास्टिक। तो हम बोलेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी जो इलास्टिसिटी है वो इलास्टिक है, इसका आंसर 1 से ज़्यादा है, ठीक है। और भी कुछ केसेस देखते हैं हम लोग। तीसरा, सपोज करो कि कोई प्रोडक्ट है उसका जो प्राइस है परसेंटेज डिक्रीज इन प्राइस 20% और परसेंटेज इंक्रीज इन डिमांड 30%। तो हम बोलेंगे कि कोई प्रोडक्ट है उसका प्राइस अगर 20% कम होता है, तो 20% प्राइस कम होने से यदि उसकी डिमांड 30% इंक्रीज होती है तो इलास्टिसिटी निकालिए। बहुत ही आसान सवाल है, सीधा हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब डिमांड में कितना चेंज है 30 और ये 20 है, तो 1.5 क्या होता है, 1 से ज़्यादा होता है, तो 1 से ज़्यादा है तो आंसर क्या होगा, इलास्टिक, लोचदार, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का सवाल है। चौथा, सपोज करो हमें इलास्टिसिटी 2 दिया है, माइनस में दिया है, माइनस इग्नोर भी कर सकते हैं हम लोग, माइनस में नहीं दिया तो हमने इसको माइनस मान लिया, तो इलास्टिसिटी -2 है और जो चेंज है परसेंटेज, जैसे कोई प्रोडक्ट है उसका जो परसेंटेज फॉल इन प्राइस, कोई प्रोडक्ट है उसका प्राइस 10% कम हो गया है, तो 10% प्राइस कम होने से उसकी इलास्टिसिटी 2 है, तो उस केस में परसेंटेज इंक्रीज इन डिमांड कैलकुलेट कीजिए, तो ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि कितने प्रकार के सवाल बनते हैं। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो इलास्टिसिटी का ये फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। अब इलास्टिसिटी तो हमें दिया है, एक फॉर्मूला यहाँ पहले से ही माइनस है, एक ये माइनस हो गया तो माइनस माइनस कैंसिल हो गई। अब परसेंटेज चेंज इन डिमांड हमें निकालना है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमें दिया हुआ है 10%, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकल के आ गया 20%, ठीक है। तो अगर पेपर में आता है वर्डिंग में कि कोई कॉमोडिटी की इलास्टिसिटी 2 है और उसका प्राइस अगर 10% कम होता है, तो बताइए कि डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 4 प्रकार के न्यूमेरिकल यहाँ पे हमने किए। अब हम देखते हैं जितने भी केसेस हम बनते हैं हम स्टडी करते हैं, फिर डिजिट चेंज करके सवाल पूछा जा सकता है। पांचवा देखते हैं हम लोग, इस बार हमें इलास्टिसिटी दिया है -1.5, ठीक है, अगर माइनस में नहीं भी दिया तो हमें माइनस लेके चलना है। अब ये माइनस केवल मैथमेटिकली इसको माइनस यूज नहीं करना, हम लोगों ने केवल माइनस को माइनस से कैंसिल करने के लिए यूज करना है। अब की बार हमें परसेंटेज इंक्रीज या चेंज भी बोल सकते हैं हम लोग, परसेंटेज इंक्रीज इन डिमांड दिया है, ठीक है, 5%। अब हमें परसेंटेज डिक्रीज, क्योंकि जब डिमांड इंक्रीज हुई है परसेंटेज डिक्रीज इन प्राइस हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एक वर्डिंग में सवाल बनेगा, कोई प्रोडक्ट है उसकी इलास्टिसिटी 1.5 है और उसकी प्राइस में कमी आई है, बट वो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है ये हमें गिवन नहीं है, वो हमें निकालना है, और डिमांड जो है प्राइस के कम होने से 5% इंक्रीज हो गया है, तो बताइए प्राइस में कितना परसेंट चेंज आया, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन डिमांड, जो भी डिमांड में चेंज आया है उसे परसेंटेज में निकाला, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब ये तो हमें माइनस फॉर्मूला में माइनस ही हो गया और ये माइनस कैंसिल हो गया इससे। अब परसेंटेज चेंज इन डिमांड हमें 5 दिया है, तो हमें निकालना क्या है, परसेंटेज जो भी कीमत में चेंज आया, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1.5 माइनस माइनस कैंसिल है,
ये माइनस जो है इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो इस माइनस को कैंसिल करने के लिए यहाँ पे लगाया गया है। अगर हम यहाँ पे माइनस नहीं लेते, इसे इग्नोर करते हैं, तो हम यहाँ पे भी माइनस का यूज नहीं करेंगे। अब तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल टू 5। अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस यहीं पे रहेगा, तो ये हो गया 5/1.5। पॉइंट हटाया तो इसे हमने 5 से जो है छोटा कर दिया, तो ये आंसर हमारा जो आ रहा है 10.3, ये हमारा आंसर 1 से ज़्यादा आ रहा है। तो 1 से ज़्यादा जब भी आंसर आता है तो उसकी इलास्टिसिटी लोचदार होती है। तो ये थे 5 प्रकार के सम। अब देखते हैं एक छठा देखते हैं हम लोग। इसमें सपोज करो कि हमें जो है इलास्टिसिटी निकालनी है, ठीक है। इलास्टिसिटी हमें फाइंड करना है। कोई प्रोडक्ट है उसके प्राइस में परसेंटेज डिक्रीज इन प्राइस 10%, ठीक है। तो उसकी डिमांड पहले 40 ये थी, अब डिमांड उसकी 50 हो गई है, क्योंकि जब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो एक सम है जो वर्डिंग में आ सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी निकालिए यदि कोई प्रोडक्ट है उसका जो प्राइस है वो 10% कम हो गया है। तो पहले कंज्यूमर 40 यूनिट खरीदता था, अब कंज्यूमर ने डिमांड बढ़ा दी, तो डिमांड क्यों बढ़ाई है, क्योंकि प्राइस जो है 10% कम हो गया है। तो ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी निकालिए। अब हमारे पास परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो दिया है, तो हम क्या निकाल लेते हैं, परसेंटेज चेंज इन डिमांड। तो इसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इन 200, ठीक है। अब यहाँ पे डिमांड में जो चेंज है 40 से 50 हो गया, तो 10 का चेंज आया है, ठीक है। पहली डिमांड कितनी थी, 40 × 200, तो ये हमारा ये काट लिया हमने इसको और ये डिवाइड किया, तो इसका मतलब है 10% प्राइस कम होने से 25% डिमांड इंक्रीज हो गई है। तो इलास्टिसिटी हमें निकालनी है, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। डिमांड में कितना परसेंट चेंज है, 25, और ये कितना है, 10 हमें गिवन है, तो ये 2.5 आ गया, जो क्या है, 1 से ज़्यादा है। 1 से ज़्यादा है तो आंसर होगा इलास्टिक। एक और सम देख लेते हैं हम। सब इस बार हमें परसेंटेज जो चेंज आया है वो डिमांड में दिया हुआ है, परसेंटेज इंक्रीज इन डिमांड। कोई प्रोडक्ट है उसकी डिमांड जो है 20% इंक्रीज हो गई है, पहले प्राइस था 5, फिर हो गया 6, तो फाइंड इलास्टिसिटी। इसको देखते हैं हम लोग। कोई प्रोडक्ट है अगर उसका प्राइस जो है 5 रुपये से बढ़कर, ठीक है, सॉरी यहाँ पे कोई प्रोडक्ट है उसका प्राइस पहले 5 था, अब कम होकर 4 हो गया है, तो जब प्राइस कम होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी। तो यदि प्राइस को 5 से 4 हो जाता है तो डिमांड 20% अप, उस वाले केस में इलेक्ट्रिसिटी निकालिए। तो हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। आंसर परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला डेल्टा पी अपॉन पी इन 200, तो यहाँ पे 4 से 5 माइनस आप इग्नोर भी कर सकते हो, पहले 5, तो हम बोलेंगे तो ये माइनस 20% का मतलब है कि जो प्रोडक्ट है उसका जो प्राइस है वो 20% कम हो गया है। अब इलास्टिसिटी निकालने का फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। डिमांड में 20% का चेंज है और ये भी 20% है, कैंसिल हो गया 1, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो ये भी हमारा एक प्रकार का सवाल है। अब हम देखते हैं, हमने जो है 7 प्रकार के सवाल देखे इलास्टिसिटी में, सारे केसेस हम देखते हैं कि कितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं। उसके बाद केवल डिजिट चेंज होगी, ठीक है। एक और देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। कोई प्रोडक्ट है उसका प्राइस पहले था 20 रुपीज़ पर यूनिट, तो उस समय कंज्यूमर जो है इस प्राइस पे उसकी 50 यूनिट्स खरीदता था। अब सडनली क्या हुआ कि प्राइस इंक्रीज हो गया, तो प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड क्या हो जाती है, डिमांड जो है कम हो जाती है, तो हमें बताना है। तो इस केस में इलास्टिसिटी हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये सामने। तो कोई प्रोडक्ट है उसकी इलास्टिसिटी -2 है और उसका प्राइस जो है यदि 20 से 25 हो जाता है, तो 20 रुपीज़ प्राइस पे कंज्यूमर उसकी 50 यूनिट्स परचेज करता था, तो बताइए 25 प्राइस पे वो कितनी यूनिट परचेज करेगा। तो हमें एक नया जो है क्वांटिटी निकालना है, तो इसको हम करते हैं। पहले पी कितना है, 20, पी वन कितना है, 25, प्राइस में चेंज कितने का आया, पी वन माइनस पी
25, 20 और ये 5, ठीक है। अब डिमांड कितनी है, पहले डिमांड कितनी है 50, नई डिमांड को हमने लेट कर लिया, तो डिमांड में चेंज का फॉर्मूला क्या है, Q1 माइनस क्यू एक्स माइनस 50, ठीक है। अब हम लोग जो है ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं P अपॉन Q, यहाँ पे माइनस लगाया तो हमें इलेक्ट्रिसिटी दिया है माइनस टू। अब यहाँ पे थोड़े बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, ये माइनस टू और इस माइनस से कैंसिल कर देते हैं, यहाँ एट एनी कॉस्ट आपको माइनस लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो ये माइनस टू लिख दिया हमने, अगर यहाँ माइनस दिया है तो इस माइनस को नहीं लेना, ठीक है। अगर यहाँ माइनस नहीं दिया होता तो ये वाला माइनस लेके हमें यहाँ पे माइनस लगाना ही लगाना है, पॉजिटिव नहीं लिखना इसको। अब डेल्टा क्यू कितना है, एक्स माइनस 50, डेल्टा पी कितना है 5, शुरू में प्राइस कितना है 20, शुरू में डिमांड, तो हम इसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 5 5 या 25 25 को क्रॉस किया तो 50 हो गया माइनस, यहाँ इग्नोर नहीं करना, और ये 2 हो गया, 2 अपॉन में आ गया इसके, थोड़ा मैथ्स की कैलकुलेशन है, इससे कैंसिल करा तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा, ये इधर आगे प्लस हो गया तो ये हमारा 25 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि नई डिमांड जो है 25 है। एक और सम देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9, कोई प्रोडक्ट है वो पहले सपोज करो कि उसका प्राइस पहले 5 था, तो उस समय कंज्यूमर उसकी 20 यूनिट्स परचेज करता था। अब बताइए कि अब जो है प्राइस कम हो गया है, बट हमें पता नहीं है कि कितना प्राइस कम हुआ है, लेकिन कंज्यूमर ने उसकी डिमांड को बढ़ा दिया और 20 से 25 कर दिया, तो इलास्टिसिटी यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो हमें वो नया प्राइस हमें निकालना है, ठीक। पहले प्राइस कितना था 5, बाद में कितना हो गया x, डेल्टा पी का मतलब प्राइस में जो चेंज आया है, तो ये x माइनस 5। डिमांड पहले कितनी थी 20 यूनिट्स, बाद में डिमांड कितनी हो गई है 25, तो डिमांड में चेंज आ गया 25 माइनस 25। तो ये हमने फॉर्मूला लगाया, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इन टू पी अपॉन क्यू। अब यहाँ पे तो एट एनी कॉस्ट मैंने आपको बताया था माइनस लगाना है, डेल्टा क्यू है 5, डेल्टा पी है एक्स माइनस 5, और पी कितना है 5 और क्यू 20, ठीक है। इससे इसको कैंसिल किया और ये नीचे लिखा हमने, थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, इसको ऐसे लिखा और इसका इससे मल्टीप्लाई किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ कैलकुलेशन से हमारा ये निकल के आया, कितना निकल के आया, ये माइनस 15, तो x निकल के आ गया 4 से, हमने इसको डिवाइड किया, तो यहाँ पे इस तरीके से हमें निकालना है, ठीक है। तो ये इतने प्रकार के सवाल बनते हैं, आप इनको तैयार कीजिए, पेपर में ज़्यादा ज़्यादा इनकी डिजिट चेंज होगी, ठीक है, केसेस यही बनेंगे।